दुनिया की सबसे ऊंची दुबई की स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर का बॉलीवुड में उद्घाटन। इसकी ऊंचाई 460 फीट है जो गीजा के बड़े पिरामिड की ऊंचाई के बराबर है। दिल दहला देने वाली इस राइड के उद्घाटन से पहले अमेरिका के ऑरलैंडो स्टार फ्लायर 450 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे। क्या आप खुद को इतनी ऊंचाई पर महसूस कर सकते हैं एक आसपास? यह एक रोमांचक अनुभव होगा। इस सप्ताह का मुहावरा है जान तोड़ मेहनत करना, जिसका मतलब है खूब परिश्रम करना। मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़ मेहनत की। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इजिप्ट की एक साइट टैपेसिरिस मैग्ना में 2000 साल पुरानी एक ममी मिली है जिसकी जीभ सोने की है। वे लगभग पिछले एक दशक से साइट पर काम कर रहे थे। उनका मानना है कि उस व्यक्ति को वहां रखने से पहले उसकी जीभ काट ली होगी और इसके बदले सोने की जीभ लगा दी होगी ताकि वह ओसिरिस मृत लोगों के भगवान से बात कर सके। ऐसा माना जाता है कि सोने की जीभ वाला आदमी उस जीवन में पहुंचकर ओसिरिस से बात कर सकता है। यह एक रोमांचक पहेली है ना? कश्मीर के गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में जाने वाले लोगों के लिए एक नई जगह, इग्लू के आकार का एक अनोखा कैफे। यहाँ बर्फ से बने मेजों पर गरम खाना परोसा जाता है। 26 फीट के इस इग्लू की ऊंचाई 15 फीट है। इसमें 4 मेजे हैं और 16 लोग एक साथ आ सकते हैं। बर्फ से बना यह देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा कैफे है। घाटी में आने वाले टूरिस्ट के लिए ये एक बड़ा आकर्षण है। बूझो तो जाने वह कौन सी चीज है जिसको काटते ही लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं। बूझो बूझो, वो है केक। न्यू जर्सी के एक व्यक्ति ने चेहरे और दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट कराया। 2018 में जो डिमियो की कार बुरी तरह से क्रैश हो गई थी जिससे उसके शरीर के कई हिस्से जल गए थे। चिकित्सा के क्षेत्र में इस कहानी में डॉक्टरों ने पिछले 2 सालों में उसके शरीर के कई हिस्से ट्रांसप्लांट किए। उन्होंने बहुत ही जोखिम वाली सर्जरी करके जो को 2 हाथ और चेहरा दिया। डॉक्टरों ने लगातार काम करते हुए इस प्रोसीजर को पूरा किया। उनका कहना है कि उनके अभी तक के मरीजों में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव और हेल्पफुल मरीज रहा। पहचानो कौन? ये महिला एक स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका सक्रिय योगदान था। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। वे एक अक्लेम पोएटेस थी। उन्होंने 12 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी उन्हें भारत कोकिला कहते थे। क्या आपने उन्हें पहचान लिया? ये सरोजनी नायडू ही है। क्या आपको मालूम है कि वह हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पारसी और बंगाली 5 भाषाओं की जानकार थी। वह एक बहुभाषी प्रतिभा थी। क्या आपको मालूम है कि टाइगर की दहाड़ 2 मील दूर से भी सुनाई दे सकती है? हर टाइगर के शरीर की धारियां मनुष्य के फिंगरप्रिंट्स की तरह अलग अलग होती हैं। वे एक बार के खाने में 36 किलोग्राम मांस खा सकते हैं और उन्हें तैरना बहुत प्रिय होता है। क्विज टाइम। भारत के अलावा किन्हीं 3 देशों के नाम बताइए जहां बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है। अपने उत्तर contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। पृथ्वी के 12 वर्ष बृहस्पति के 1 वर्ष के बराबर हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर हेरिटेज एक्सपीरियंशियल स्कूल गुरुग्राम के ध्रुव मेहरा को हार्दिक अभिनंदन।